घमरिया रानी बांध में भव्य और आकर्षक टुसु प्रतिमाओं को देखने पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। बड़े और आकर्षक टुसु की प्रतिमाओं को किया गया पुरस्कृत। घमरिया रानी बांध टुसु मेला कमेटी उज्जवलपुर की ओर से आयोजित टुसु मेला में उमड़ी भीड़। इस दौरान मेला पहुंचे महिला पुरुष एवं बच्चों को मेला का लुत्फ उठाते हुए देखा गया। मेला में मुख्य रूप से सरायकेला, घमरिया, राजनगर, आदित्यपुर सहित आसपास के अनेक स्थानों से टुसु की एक से बढ़कर एक टुसु की प्रतिमाएं लाई गई। मेला में प्रथम स्थान आने वाली टुसु मदनासाई, द्वितीय पुरस्कार जय श्री राम क्लब गोविंदपुर, तृतीय पुरस्कार पार्वतीपुर तथा मेले में लाए गए सभी टुसु की प्रतिमाओं को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। बता दें कि रानीबांध उज्जवलपुर के ग्रामीणों की ओर से कोविड काल को छोड़कर यहां हर वर्ष 1982 से टुसु मेला का आयोजन होते हुए आ रहा है, जिसमें दूरदराज के क्षेत्र से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। मेले में तमाम तरह के झूले, साज सामान, खाने की सामग्री का लोग लुत्फ उठाते हैं। साथ ही पारंपरिक ढोल नगाड़े में खूब नाचते झूमते हैं। इस मौके पर झामुमो के केंद्र सदस्य गोपाल महतो, अमृत महतो समेत झामुमो के कई नेतागण उपस्थित रहे। वहीं रानीबांध के अध्यक्ष बेनी माधव महतो ने बताया कि रानीबांध मेला सदियों से चली आ रही है। हर वर्ष भव्य और आकर्षक टुसु प्रतिमाएं देखने को मिलता है। इस वर्ष भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और मेला का लुत्फ उठाएं। दीपक महतो की रिपोर्ट, छोटा नागपुर लाइव। देखिए, ये तो हम लोग का परंपरा है टुसु पर्व, और बहुत अच्छा मेला लगा था यहाँ। किस तरह का कोई गड़बड़ नहीं, बहुत शांत मेला लगता है। और हर साल ऐसे ही अखान के बाद का रोज हम लोग का यहाँ लगता है, और बहुत पुराना मेला है। कहाँ से टुसु मूर्तियाँ आई? टुसु आपका राजनगर, इधर आदित्यपुर और इस आसपास के छोटे बड़े सब। सबसे पहले आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं, और आए हुए जितने रानीबांध टुसु मेला कमेटी को धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और आए हुए हजारों आदमी जो इस टुसु मेला का आनंद लेने आए हैं और टुसु लेकर भी आए हैं। माताएं, बहनें, झारखंडी साथियों, जितने भी आए हैं आदिवासी मूलवासी के, बहुत बड़ा पर्व होता है टुसु पर्व। आज मकर संक्रांति के दिन से हम लोग का 3 दिन 5 दिन हम लोग का मेला लगता है जगह जगह। आज हर साल हम लोग यहाँ भी आते हैं रानीबांध टुसु मेला में, और हम लोग बहुत खुशी होते हैं कि गांव देहात से इतना माताएं, बहनें, बुजुर्ग सभी लोग टुसु मेला का आनंद लेने आते हैं और टुसु लेकर भी आते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का झारखंडी संस्कृति जो है टुसु मेला, इसको आज बचाने के लिए हमारे जितने भी युवा साथी आगे आ रहे हैं, मैं युवा साथी से अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ऐसे ही आप लोग संस्कृति को बचा कर टुसु मेला, टुसु लेकर टुसु मेला का मेला में आए। और जितने भी यहाँ पर दर्शक है, सबको अपना टुसु दिखाकर जो अच्छा टुसु सजा के लाते हैं उनका हम लोग कमेटी की तरफ से प्राइज भी वितरण करते हैं, और इतना प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरह टुसु मेला और धूमधाम से मनाएं, हर गांव देहात से हम लोग टुसु लेकर आएं। पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद, और जो आयोजन कमेटी को धन्यवाद, जो हमारे जितना भी आपका सरायकेला जिला के आसपास से लोग आते हैं, सब मिलना जुलना भाईचारा अपना यहाँ से होता है। और ये हम लोग का झारखंड का सांस्कृतिक है, हर साल आपका 17 तारीख को होता है। किस तरह तय करते हैं कि ये पहला, इसका जो है नाच गान और टुसु का जो सजावट है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति हमारा पहचान, और झारखंड की ये संस्कृति है। पूरे देश में कई पोंगल का नाम से मनाया जाता है, कई मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, और हम लोग झारखंड में टुसु पर्व के नाम से मनाते हैं। पूरे वर्ष में सभी को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि हमारे झारखंड में सिर्फ एक ही खेती होती है जिसका नाम है धान की खेती। चूँकि यहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है और हम लोग बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करते हैं, और चूँकि बारिश का पानी आषाढ़ माह में आती है और हम लोग का उस समय धान की खेती होती है और हम लोग एक ही खेती पर निर्भर करते हैं, तो हम तो बताना चाहेंगे कि पूरे देश का, हमारे प्रधानमंत्री को भी आपका चैनल का माध्यम से पता चले कि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था हो, यहाँ का किसान समृद्ध बने, और भी तरह का खेती यहाँ पर हो, और यहाँ के लोग, यहाँ का जनमानस जो भी आज जूझ रहे हैं वो इस तरह की गरीबी में ना रहे। चूँकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, पूरे देश का 50%
खनिज संपदा झारखंड से जाता है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी में सफ़र कर रहे हैं। तो आपका चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को और हमारे देश के प्रधानमंत्री तक ये बात को अवगत कराना चाहता हूँ कि कम से कम झारखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दे और यहाँ के लोगों को जो खेती 12 महीना में सिर्फ 3 महीना खेती रहती है और बाद बाकी महीना सूखा पड़ा रहता है उसमें सिंचाई की व्यवस्था करें और लोग सिंचाई का अग्रसर हो। हमारा देश आज़ादी से पहले दो ही धन से जाना जाता था, एक पशुधन एक कृषि धन, और फिर से हमारा देश स्वावलंबी बने, आगे बढ़े और देश विश्व गुरु बने। इसके लिए हमारे देश में जितने भी खेत हैं कोई भी खेत सूखा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए झारखंड को एक विशेष राज्य का दर्जा दे करके हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मैं टुसू पर्व के विषय में बोलना चाहता हूँ। आप देखिएगा, 4-5 दिन पहले हमारे यहाँ डोहरे टुसू हुआ था जो गमरिया से लेकर साक्षी गोलचक्कर में समाप्त हुआ आम बगान में, और काफ़ी ग्रामीण हमारे उसमें बहुत खुशी के साथ झूमते नाचते गाते हुए 12 किलोमीटर तय किए। वो लोगों को पता ही नहीं चला कि पैदल चल रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं। ये इस राज्य की परंपरा है और इसी परंपरा को बनाए के लिए, और सबसे बड़ी बात, हमारी संस्कृति को बचाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी संस्कृति को बढ़ाने की ज़रूरत है। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ नहीं होता था, बंगाल में होता था, आज गली गली में दुर्गा पूजा होता है। हमारा यहाँ छठ नहीं मनाया जाता है, आज देखिएगा जितना भी झारखंड की नदी है सब में छठ मनाया जाता है, जितना भी बांध है छठ मनाया जाता है। तो मैं बोलता हूँ कि हमारी संस्कृति को बचाने की नहीं, हमारी युवाओं को ज़रूरत है कि हमारे संस्कृति को बढ़ाने का ज़रूरत है। और मैं इतना ही बात करके अपने झारखंड प्रदेश के सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि अपने संस्कृति को आगे लेके जाए ताकि देश और दुनिया देखे कि हमारी जो संस्कृति है वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, ना किसी का दिया हुआ। ये हमारे झारखंड के परंपरा पूर्वों से चली आ रही है, टुसू पर्व और बांधना पर्व जैसे बोलता है, टुसू पर्व और बांधना पर्व, ये हमारा झारखंड का प्राथमिकता पर्व है। इसको हम लोग बहुत मान्यता देते हैं। जैसे टुसू पर्व हम लोग नया कपड़ा सब कोई लेते हैं, गरीब हो चाहे अमीर हो। अरे जो भीड़ दिख रहा आपको यहाँ पर, हम लोग भाईचारा एक एक जैसे सबको एक होके जीते हैं, एक होके चलेंगे, ना यहाँ ऊँच है ना नीच है, ना गरीब कोई है ना अमीर है, सब यहाँ अपना बराबर लेके चलते हैं। इसी का हम लोग दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भाईचारा सब सही है और हम लोग अमीर गरीब ऊँच नीच कुछ नहीं मानते। ये हमारे टुसू पर्व में सबको माँ बहन आके उत्सव का मनाते हैं।